हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKG चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स से रिलेटेड जो कि इस रैली में अच्छे खासे भाग चुके हैं, एंड आप लोगों ने सावध रहना चाहिए क्योंकि वो कभी भी यहाँ पे गिर सकते हैं। यस दोस्तों, आप सभी लोग पता है जब रैली आ जाती है तब कुछ ऐसे स्टॉक भी जो कि फंडामेंटली इतने स्ट्रांग नहीं रहते उनमें भी खरीदारी शुरू हो जाती है, एंड यहाँ पे फंस जाते हैं बेचारे रिटेल निवेशक। इसीलिए ये कुछ स्टॉक्स है मैं आपके सामने रखूंगा। आप चाहो तो वीडियो को फॉलो कर सकते हो, अनफॉलो कर सकते हो, वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टॉक्स आप लोगों को बता दूंगा एंड रीज़न भी प्रोवाइड कर दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सो जैसे मैंने कहा कि वीडियो की थीम यही है कि इस रैली में कुछ ऐसे स्टॉक ने भी पार्टिसिपेट किया है जो कि लॉन्ग रेंज में आप लोगों को ऊपर जाते हुए देखने के लिए बहुत ही कम नज़र आएंगे। सो ये कभी भी जोर से नीचे गिर सकते हैं एंड आप लोग इनमें अटक सकते हो, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, 3 वीडियोस आज के दिन मैंने अपलोड कर दिया, एंड जो लेटेस्ट वीडियो था रिटेल निवेशकों के लिए स्पेसिफिकली था कि कुछ चीज़ें आप लोगों ने भूलनी नहीं चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप तक ये वीडियो नहीं पहुँचा होगा, तीनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप चाहो तो किसी भी वीडियो को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ कंपनियां ऐसी जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी कंपनी जिनके शेयर मेरे भी पोर्टफोलियो में थे, बट यस फिलहाल की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग रेंज में मतलब अभी 5-6 दिन तो बहुत ही अच्छा खासा मार्केट चला है। सो इसमें ये भी स्टॉक दौड़ चुके हैं, बट लॉन्ग रेंज में इसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए आज से ही मैं आप लोगों को यहाँ पे सावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आता है सबसे पहला स्टॉक, यस दोस्तों, जिसका नाम है इंटर ग्लोब एविएशन इंडिगो। क्या कंपनी ख़राब है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लिखना चाहूँगा 10-स्टार कंपनी, 5-स्टार भी नहीं, 10-स्टार कंपनी। बट करे तो करे क्या, यहाँ पे बिजनेस ही अगर बंद रहेगा तो कंपनी कितना आगे बढ़ पाएगी? एंड यही सिचुएशन को समझ के आप लोगों ने यहाँ पे आगे का स्टेप उठाना, क्योंकि आप स्टॉक देख सकते हो 1000 के ऊपर जा चुका है दोस्तों। एंड मेरी समझ के अगर मैं बात बोलूँ तो 1000 के यहाँ पे ये स्टॉक दिखना, 4 डिजिट में दिखना इतना वैलिड नज़र नहीं आता, क्योंकि इनका बिजनेस अगर आप देखोगे यूजुअली बंद है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स कुछ हद तक चालू हुई है, बट इतना उनका जो पैसा रहेगा, उनका जो प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट, वो हाथ में नहीं आएगा। मतलब वो फ्लाइट्स तो उड़ाएंगे, फॉर एन एग्जांपल उनको 100 रुपया मिलेगा, बट खर्चा ही 1000 रुपये का है। सो टोटल लॉस जो उनका रहेगा वो 900 का हो जाने वाला है। सो फ्लाइट्स उड़ रही है इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब उड़ेंगी ये तो किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, फॉर एन एग्जांपल इंडिया से अगर कोरोना खत्म हो जाता है, क्या हम लोग डायरेक्टली इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करेंगे? क्योंकि कोरोना सिर्फ हमारी समस्या नहीं, वर्ल्ड की जो 190 कंट्रीज़ है उनमें भी ये कोरोना फैल चुका है। सो डेफिनेटली वो बाहर ही किसी दुनिया से वापस यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि शुरुआत तो फ्लाइट से ही हुई थी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ये जो बिजनेस है वो रीओपन होने के लिए बहुत समय लग सकता है, शायद से 6 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा, 1 साल तक भी ये चीज़ें डिले हो सकती है। एंड इसीलिए तो वॉरेन बफे जी ने भी यहाँ पे अपने जो शेयर्स थे एयरलाइंस कंपनी से रिलेटेड वो यहाँ पे निकाल दिए थे। तो ये लॉजिक है जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कंपनी ख़राब नहीं, बट यस 1000 के लेवल पे ये कंपनी दिखना शायद से डेंजरस साबित हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोगों को। मतलब 5 दिन के अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे बहुत ही शानदार है, बट आने वाले दिनों में Q1 के रिजल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़ोरदार गिरावट हो सकती है, क्योंकि कंपनी के Q4 के भी नतीजे अगर आप चेक करते हो, सो कंपनी ने 871 करोड़ का लॉस दर्ज किया है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं Q1 में तो कंपनी का लॉस कितना बड़ा हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो कि आप लोगों ने नोट डाउन करनी चाहिए, ना कि किसी भी शेयर में डायरेक्टली निवेश करने से रिलेटेड। अगर मैं एविएशन सेक्टर की बात करूँ तो यस कंप्लीटली मोनोपोली इंटरग्लोब एविएशन की है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बट फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी अच्छी खासी चल रही है, बट आगे जाके इसमें गिरावट आ सकती है, तो इसीलिए एटलीस्ट मैं अवॉइड करूँगा। आप चाहो तो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। सो एविएशन सेक्टर में ही प्रॉब्लम रहेगा तो ऑब्वियसली और एक कंपनी जिसका नाम है स्पाइस जेट। हालांकि स्पाइस जेट आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अवॉइड करना है। अगर आप इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो यहाँ पे कोरोना देखने को मिलता था, बट इसकी वजह क्या है ये गिरावट की, तो ये वजह है कि कंपनी ऑलरेडी फंडामेंटली अंदर से डिस्टर्ब हो चुकी है। सो यहाँ पे कोई भी आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी है, इवन दो इनके फ्लाइट्स डोमेस्टिक लेवल इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट हो जाए, रिज्यूम हो जाए, इस कंपनी को तो कम्प्लीटली आप लोगों ने अवॉइड करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। बाकी डिसीजन आप ही के ऊपर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। सो इंडिविजुअल एक स्टॉक है जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट, यस झील जो हम लोग कहते हैं। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे क्या रफ्तार यहाँ पे कंपनी ने पकड़ी है, बहुत ही शानदार रफ्तार है, बट यहाँ पे आप लोगों ने अलर्ट होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये कंपनी इतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आती फंडामेंटली जितनी ये आगे जाके बड़ी होनी चाहिए।
निफ्टी 50 का स्टॉक है, इंडेक्स का स्टॉक है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी यहाँ पे बहुत बड़ी है। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो इसको एटलीस्ट अवॉइड करूँगा। एंड मैं इसको कब से अवॉइड कर रहा हूँ, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। बहुत सारे लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका था कि इस कंपनी में अगर आप रहोगे तो बहुत ज़्यादा खतरे में रह सकते हो। हालांकि वो खतरा अगर हम लोग देखें तो हट चुका है, प्रमोटर ने वो शेयर गिरवी रखे थे, वो एग्जिट हो चुके हैं। बट स्टिल कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग उतनी नज़र नहीं आती जितने रिटर्न्स आपके क्विकली यहाँ पे बन सके। सो जी एंटरटेनमेंट, इस कंपनी के ऊपर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉन्ग रेंज के लिए कि यहाँ पे हम लोगों को इसमें रिटर्न बनते हुए बहुत ही कम नज़र आ सकते हैं। टेम्पररी के लिए कोई भी कंपनी भाग जाती है। उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी, आप सभी लोग पता है रिटेल ग्रुप बहुत ही बड़ा है, ग्रुप मतलब जो बिजनेस है, डीमार्ट है, ट्रेंड है, बिग बाजार है, वैसे ही आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये कंपनी से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिन में ये कंपनी क्या गजब की यहाँ पे दौड़ चुकी है। बट यस, लॉन्ग रेंज के लिए फिलहाल ये कंपनी मुझे ठीक नज़र नहीं आती। सो यही कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी में जो लोग सवाल पूछ रहे थे क्या निवेश करना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो निवेश नहीं करूँगा। अगर आपको रिटेल में ही जाना है सो ऑब्वियसली उनका जो सबसे बड़ा दिग्गज है डीमार्ट के लिए जा सकते हो, उसमें नहीं जाना है तो मिड कैप सिलेक्ट करना है तो आप ट्रेंड के लिए जा सकते हो। ये 2 स्टॉक है रिटेल सेक्टर के लिए जो कि टाटा ग्रुप से जुड़ी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट यस, इस कंपनी में निवेश करना डेंजरस हो सकता है। 5 दिन पहले ये कंपनी हम लोगों को बहुत ही मतलब 110 के करीब देखने को मिल रही थी, आज सीधा 130 के यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये रैली अगर कंटिन्यू रही तो 140-150 भी जा सकते, बट जब मार्केट गिरेगा तब इनमें भी ज़ोरदार गिरावट आ सकती है, इसीलिए आप लोगों को अभी से सावधान कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी चाहिए। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इंडसइंड बैंक, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मुझे पता है इंडसइंड बैंक में बहुत सारे लोग क्यों निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक ज़माने में चल रहा था 2000 पे, अभी चल रहा है 400 रुपये के आसपास। सो वापस सभी लोगों को यही लग रहा है कि ये 2000 तक पहुँच जाएगा, तो इतना आसान नहीं है जितना मैं इसके बिजनेस मॉडल को देखूं, क्योंकि ये स्टॉक में खुद मैं निवेशक बन चुका हूं। आप सभी लोग पता है 1180 एंड 1000 पे मैंने कम्प्लीटली एग्जिट ले ली थी। तो जो रीज़न है फाइंड अगर मैं बता दूं कि इसमें निवेश करने का, वो अब तक नज़र नहीं आ रहा है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी बहुत शानदार यहाँ पे दौड़ रही है। एंड फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर लॉन्ग रेंज में बहुत ही थोड़े से परेशान होने वाले, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। सो इंडसइंड बैंक में कभी भी ज़ोरदार गिरावट आ सकती है, तो इसीलिए मैं फिलहाल इस स्टॉक को यहाँ पे अवॉइड करने की आप लोगों को सलाह दूंगा। फाइनल डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ने वाला हूँ। उसी के साथ साथ कुछ और भी स्टॉक है जो कि फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग है। यस दोस्तों, PVR, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर PVR का क्या होगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें आइनॉक्स, ये जो 2 स्टॉक्स है, मीडिया सेक्टर में कोई भी कंपनी नहीं है जो कि आपको पॉजिटिव रिटर्न कमा के दे सिवाय इन 2 कंपनीज के। बट इनका भी अगर आप बिजनेस देखोगे ना तो यहाँ पे फिलहाल बहुत ही ज़्यादा हम लोग को अफेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड लॉकडाउन कब ओपन हो जाएगा एंड 3rd फेज में इनसे रिलेटेड बातें होने वाली है। सो एटलीस्ट मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि अभी आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया है तो एटलीस्ट आप लोगों ने ये जो जून का मंथ है वहाँ पे आप लोगों ने इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी तो 3rd फेज जो जून के एंडिंग में हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर इंडिया प्रॉपरली 1st एंड 2nd फेज को रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से देता है, सो 3rd फेज में इनका ही प्रपोजल रखा गया कि थिएटर्स रीओपन हो जाएंगे, मल्टीप्लेक्स रीओपन हो जाएंगे, शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को वापस रैली देखने को मिल सकती है। सो इन 2 स्टॉक से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग चाहो तो 50-50 प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वो आपका डिसीजन है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हो। बट यस, इंडिगो की बात है, जैसे मैंने कहा था कि वो तो सबसे लास्ट में बिजनेस रीओपन होने वाला है, तब तक मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिजनेस एटलीस्ट हम लोग को 3rd फेज में रीओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। सो जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी कुछ शेयर से रिलेटेड, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो कंपनी खराब नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे चलना पड़ने वाला है। उसके बाद TVS मोटर, यस दोस्तों, ये भी कंपनी में 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, बहुत ही शानदार रैली, मतलब 310 के आसपास देखने को मिल रहा था, आज सीधा 360। सो क्या कंपनी ठीक हो गई, तो वापस कह रहा हूँ कि थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए। एक तो ऑटो सेक्टर है, ये भी आप लोगों ने अपने दिमाग में फिट बातें करनी चाहिए। सो ऑटो सेक्टर के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मारुति के लिए आप जा सकते हो अगर वो बहुत ही ज़्यादा महंगा लगता है। सो बजाज ऑटो, इस स्टॉक के लिए आप लोग दाव खेल सकते हो, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो अपनी कंपनी भी यहाँ पे खुद ब खुद सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर हम लोग यहाँ पे सेक्टर वाइज अगर कुछ बातें बोले तो वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो बहुत सारे सेक्टर ओपन किए। तो सबसे पहली बात बैंकिंग सेक्टर में PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक में यही कहना चाहूँगा HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 बड़े बैंक हैं, इन्हीं के साथ बने रहना फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से। जो लोग इनमें एक्यूमेशन करते जा रहे, बाय एंड डिप्स करते जा रहे, अच्छा खासा मुनाफा उनको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, रिकवरी हो रही है अच्छी खासी। PSU की बात करें तो कोई भी बैंक में निवेश नहीं करना है सिवाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी सारे के सारे बैंक
टेम्पररी स्केल के लिए दौड़ने वाले बैंक है, अगर वो रिटर्न भी दे देते तो कोई मतलब की रिटर्न नहीं है, इससे अच्छा रिटर्न तो आप उनके फिक्स डिपॉजिट में करके हुए कमा सकते हो। उसी के साथ साथ मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर में हमेशा अवॉइड करने को ही पसंद करता हूँ, क्योंकि ट्रेड वॉर से रिलेटेड कभी चीज़ें शुरू हो जाए कोई गारंटी नहीं, फिलहाल तो ये चीज़ें ठंडी हो चुकी है एंड इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेटल सेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा कम प्रेशर में है, बट ये वापस अगर शुरू हो जाती है सो यस मेटल सेक्टर जोरदार पीट भी सकते हैं। मीडिया सेक्टर में ऑलरेडी बता दिया PVR एंड आइनॉक्स, ये दो ही अच्छे हैं, बाकी सारे लोगों को आप लोगों ने इग्नोर ही करना है। एंड ऑटो सेक्टर में भी बता दिया मारुति एंड उसी के साथ साथ बजाज ऑटो, बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर अभी भी देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में आप सभी लोगों को पता है, अगर मैं NBFC की सिर्फ बात करूँ तो बजाज फाइनेंस है, उसी के साथ साथ मुथूट फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, इंश्योरेंस की बात करूँ तो HDFC लाइफ है, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ है, SBI लाइफ है, ये कुछ कंपनी है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र ज़रूर आती है। सो लिस्ट के मुताबिक मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन से कंपनीज के शेयर में आप लोगों ने नहीं फंसना है, क्योंकि इस रैली में ये सारी कंपनियां दौड़ती हुई देखने को मिलती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वापस स्टार मार के बताना चाहूँगा, प्लीज़ PSU बैंक से रिलेटेड जो आप लोग सवाल पूछते हो, PNB या फिर महाराष्ट्र बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तो ऐसे बैंक में आप लोगों ने नहीं निवेश करने, वो सस्ते देखने को मिल रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अच्छे खासे रिटर्न आप लोगों को दे पाएंगे। सो जो बैंक्स थे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया एंड जो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक जो कि आप लोगों को कमेंट्स में पूछ रहे थे वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश कर दिया है। सो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था ये वीडियो बनाने से रिलेटेड कि इस रैली में कुछ पिटे हुए शेयर्स भी भाग चुके हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, अंदर से वीक है, उनके रिजल्ट अगर हम लोग COVID-19 के पहले भी देखते हैं तो इतने खास नहीं थे, तो ऐसे शेयर में अगर आप निवेश करोगे तो यहाँ पे बुरी तरीके से फंस सकते हो, बट फाइनल डिसीजन अल्टीमेटली आप ही करेगा, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे एजुकेट कर पाऊंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना तो उनको भी यहाँ पे अच्छा खासा चीज़ें समझ में आएगी कि कौन से शेयर में उन लोगों ने रहना चाहिए एंड कौन से शेयर को यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।